नमस्कार, मैं हूं अनु शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म होने के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में जुट गई हैं। जुलाई महीने से मोबाइल टैरिफ में 15-20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कैटेगरी में मोबाइल टैरिफ बढ़ने की संभावना है। टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में संपन्न नीलामी में 11,340 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। स्पेक्ट्रम और नई सेवाओं पर किए गए निवेश पर रिटर्न पाने के लिए कंपनियां मोबाइल टैरिफ बढ़ाएंगी। ट्रूकॉलर अब आपको डिजिटल फ्रॉड से होने वाले नुकसान की भरपाई भी करेगा। मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल फ्रॉड में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ट्रूकॉलर और HDFC अर्गो ने एक खास तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश किया है। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड्रॉइड और iOS यूजर्स को 10,000 रुपये तक का कवर उपलब्ध कराएगा। ट्रूकॉलर के ग्राहकों को उनके मौजूदा प्लान के साथ इंश्योरेंस कवर एकदम मुफ्त दिया जाएगा। फ्रॉड इंश्योरेंस ट्रूकॉलर ऐप पर उपलब्ध होगा, जहां से यूजर्स इसे आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक पिछले 3 सालों में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल फ्रॉड हुए हैं और इनमें लगातार वृद्धि हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में क्लेम रिजेक्शन की दर घटाने के लिए CDAC की तरफ से EPFO के लिए बनाए जा रहे सेंट्रल IT सिस्टम में लगातार देरी हो रही है। इस देरी का कारण EPFO की ओर से CDAC को सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी सभी जानकारी उपलब्ध ना कराना है। IT मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि CDAC को अभी तक EPFO की ओर से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर के डिजाइन और डेवलपमेंट में देर हो रही है। शेयर कीमतों में हेराफेरी करने में भूमिका को लेकर बाजार नियामक सेबी ने संजीव भसीन के खिलाफ जांच शुरू की है। संजीव भसीन IIFL सिक्योरिटीज के साथ जुड़े रहे हैं और वो कई बिजनेस न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चर्चित चेहरा भी हैं। सेबी ने जांच के तौर पर संजीव भसीन के डिजिटल डिवाइसेस को चेक किया और सबूत जुटाए हैं। ऑनलाइन दवा बेचने वाली ई फार्मेसी टाटा 1MG, प्रैक्टो फार्मेसी एंड नेट मेड्स आदि को बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने वाले एकल जज के फैसले को रद्द कर दिया है। साल 2018 में मद्रास हाईकोर्ट के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे देश में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में पार्किंग चार्ज 4 गुना बढ़ने वाले हैं। MCD ने प्रदूषण का स्तर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 तक पहुंचने पर पार्किंग चार्ज में 4 गुना बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। अगर ये नियम लागू होता है तो दिल्ली में पार्किंग करना कई गुना महंगा हो जाएगा। अभी दिल्ली में घंटे के हिसाब से पार्किंग चार्ज देना होता है। पार्किंग चार्ज बढ़ाने का उद्देश्य शहर में वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। अनजान और अनचाहे कॉल्स की समस्या अब जल्द खत्म होगी। अब आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। ट्राई ने इस बारे में सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर पूरे देश में शुरू होगा। इसमें सिम खरीदते समय KYC फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर कॉलर का नाम डिस्प्ले होगा। स्पैम, फ्रॉड कॉल और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए इस मकसद से सर्विस को शुरू किया गया है। CGHS कार्ड होल्डर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS लाभार्थी ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID से जोड़ने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले सभी CGHS लाभार्थियों के लिए ABHA ID को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। ABHA नंबर डिजिटल रूप से कई प्रणालियों में आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने, लिंक करने और शेयर करने के लिए 14 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। बैंक अकाउंट नंबर की तरह आपकी पहचान करने और जरूरत पड़ने पर आपको प्रमाणित करने के लिए एक यूनिक नंबर की तरह काम करता है। खराब सड़कों के लिए टोल न वसूलने की सलाह देने के बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार के लिए मंथली और एनुअली टोल पास बनवाने के लिए सुझाव दिए हैं। देश में सड़क यात्रा को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों को नेशनल हाईवे पर
कार के लिए मंथली और एनुअल पास बनाने की संभावना तलाशने को कहा गया है। इसका मकसद टोल कलेक्शन को आसान बनाना और यात्रियों को होने वाली दिक्कतों को कम करना है। कुल टोल कलेक्शन में कार और प्राइवेट वाहनों की हिस्सेदारी करीब 25% है। 75% टोल कलेक्शन ट्रक और कमर्शियल व्हीकल से होता है। कीमतों में उछाल के बाद देश में मकानों की बिक्री सुस्त पड़ने लगी है। एनरॉक के मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों में अप्रैल जून तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 5% बढ़ने की उम्मीद है। अप्रैल जून तिमाही में 1,20,340 यूनिट बिकने का अनुमान है। घरों की मांग में पिछली तिमाही की तुलना में 8% की गिरावट आई है। इससे पहले जनवरी मार्च तिमाही में 1,30,170 घर बिके थे। विशेषज्ञों ने कहा कि घरों की बिक्री में तिमाही आधार पर गिरावट की प्रमुख वजह पिछले एक साल में घरों की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि होना है। शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला गुरुवार को लगातार चौथे दिन जारी रहा। इंफोसिस, रिलायंस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में खरीदारी होने से बाजार में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर पहली बार 79,243 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 175 अंक बढ़कर 24,044 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी आई। भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के मजबूत और जुझारू बने रहने से निवेशकों की धारणा मजबूत हो रही है। विदेशी निवेशकों का भी भरोसा बढ़ा है। बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद से भी बाजार को तेजी का सहारा मिला है। बैन कैपिटल के निवेश वाली एमक्योर फार्मा का आईपीओ 3 जुलाई को खुलने वाला है। दस्तावेज के मुताबिक आईपीओ 5 जुलाई को बंद होगा। एंकर निवेशक 2 जुलाई को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 800 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इस आईपीओ में 1.14 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश भी लाई जाएगी। पुणे स्थित कंपनी एमक्योर फार्मा कई प्रमुख चिकित्सकीय क्षेत्रों में दवाओं के विकास, निर्माण और मार्केटिंग का काम करती है। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।